हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है भाई, सबसे पहले देखते हैं यूरिया गोल्ड। पीएम मोदी राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की है। राजस्थान में यूरिया गोल्ड के नाम से एक नई यूरिया की किस्म लॉन्च की है। यह सल्फेट कोटेड यूरिया है। यह सल्फेट कोटेड यूरिया की नई किस्म है, इसलिए इसे सल्फर यूरिया कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से खेतों में कम खाद देनी पड़ेगी और फसल की क्वालिटी अच्छी होगी। इस मिट्टी में सल्फर की कमी कभी नहीं रहेगी। इस प्रकार के केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा इस समय यह यूरिया राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी CPF द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमेजन इंडिया ने कश्मीर, भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोर। अमेजन इंडिया ने कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। कहां फ्लोटिंग? अमेजन इंडिया किसने? अमेजन इंडिया ने किस कहां? श्रीनगर डल झील पर पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। स्टोर अमेजन इंडिया कंपनी के आई हैक स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। यह प्रोग्राम उन्हें स्थानीय दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर दराज के स्थानों में ग्राहकों तक पैकेज पहुंचाने में मदद करेगा। आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम अमेजन इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था। डिवाइन लाइट हाउस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा की राजधानी के पास दशा बलिया कमांडो में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी। इस अवसर पर वर्ष के लिए उनकी थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया गया। ठीक है, शुभारंभ किया गया। डिवाइन लाइट हाउस परियोजना को सकारात्मक बदलाव पर ध्यान, समाज के समग्र विकास के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत का पहला, ठीक है, क्या कह रहा है? भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग झारखंड। ठीक है, पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग झारखंड 29 जुलाई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के जमशेदपुर में 350 करोड़ से अधिक के निवेश में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने TCPL ग्रीन एंड एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो टाटा मोटर्स और कॉमी इन का उद्यम है, किसका? टाटा मोटर्स और इनका उद्यम है, संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर पूर्व सिंहभूमि में हाइड्रोजन आंतरिक दहन ईंधन जैव अग्निवादी इंजन एडवांस केमिस्ट बैटरी H2 ईंधन सेल्फ के विकास के लिए समझौता किया। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया अटैक समझौता। भारत में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्रालय पापुआ न्यू गिनी के सूचना प्रसारण उद्योग मंत्रालय में अटैक इंडिया अटैक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह
एमओयू व्यापक स्तर पर पहचान डेटा और भुगतान सेवाओं का समर्थन करने के लिए इंडिया टेक साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, पहले जून 2023 को भारत ने चार देशों आर्मेनिया, सियेरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ तथा बारबुडा के साथ इंडिया अटैक साझा करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज कॉलिंस भारत के G20 प्रेसिडेंसी के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में चौथे पर्यावरण और जलवायु स्थिर कार्यक्रम और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय की बैठक में रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज कॉलिंस की शुरुआत की। यह कॉलिंस विश्व भर में संसाधन क्षमता और सर्कुलर इकोनॉमिक अभाव इकोनॉमिक के अभ्यास को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। ठीक है, देशों में 39 कंपनी, ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे कितनी कंपनियां क्या है क्या नहीं है, केवल इतना पूछेगा G20 की प्रेसिडेंसी में किस केंद्रीय मंत्री ने कहा इसका उद्घाटन किया। अगला चलिए, राजधानी में उत्पादों को GI टैग। राजस्थान ने चार उत्पादों सहित पूरे भारत में 7 उत्पादों को चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्टर द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग। राजस्थान ने 4 उत्पादों पूरे भारत में 7 उत्पादों और चेन्नई में राजस्थान के उदयपुर, कोफ्तागरी, धातु शिल्प, बीकानेर, कशीदाकारी शिल्प, जोधपुर, बधेज शिल्प और बीकानेर उस्ता कला शिल्प के अलावा अजमेर धातु शिल्प, अजमेरी जलेश्वर धातु शिल्प, उत्तर प्रदेश गोवा मानकुराद आम में को GI टैग मिला। चलिए आगे चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन चीन पवन टर्बाइन निर्माता मिगयांग स्मार्ट एनर्जी ने घोषित किया कि उसने विश्व की सबसे बड़ी अपतटीय पवन टर्बाइन MISC 16260 को चालू कर दिया है। 16 मेगावाट की अपतटीय पवन टर्बाइन जो दक्षिणी चीन सागर में मिगयांग किंग झाओ 4 अपतटीय पवन फार्म में है। एक रोटर 260 मीटर यानी 853 फीट और 53,902 वर्ग मीटर का इसमें क्षेत्र है। ठीक है, इसमें गोल्डविड की 16 मेगावाट की अपतटीय पवन टर्बाइन को जो जून में ऑनलाइन आया था दुनिया के सबसे बड़े स्थान से बाहर कर दिया है। ठीक है, चलो यहां से अगर पूछा जाएगा केवल इतना ही पूछा जा सकता है अगर पूछा गया तो, लेकिन उम्मीद यहां से कोई ऐसा क्वेश्चन आने की है नहीं। आइंस्टीन क्रॉस लाइफ साइंस की रिसोर्स के अनुसार खगोलविदों ने आइंस्टीन क्रॉस की एक दुर्लभ खगोलीय खोज की है जहां एक आकाशगंगा न केवल निरीक्षण कर रही है बल्कि पृथ्वी के से अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक अन्य आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश को चतुष्कोणित भी कर रही है। लेंसिंग आकाशगंगा के चारों ओर
वांसर की चार चमकदार छवियों द्वारा बनाए गए क्रॉस समान पेटेंट के कारण इस घटना को आइंस्टीन क्रॉस कहा है। यह घटना भविष्य में होने वाले अल्बर्ट भविष्यवाणी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप की थी। 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश इराक। क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि बताइए निम्न में से ट्रेकोमा मुक्त देश, 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश कौन सा है? चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इराक है, या देखा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इराक, निम्न में से कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रेकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए 18वें देश के रूप में इराक को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। इराक पूर्व भूकंप क्षेत्र के भीतर 8वें देश के रूप में चिन्हित हुआ है। इसके भी WHO ने इराक को वैश्विक स्तर पर कम से कम एक अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म करने वाला 50वां देश माना है। देखिए ट्रेकोमा को तो खत्म करने वाला ये 18वां देश है, लेकिन उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म करने वाला ये 50वां देश है, ठीक है। यह रोग कैसा है? जीवाणु क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिक के संक्रमण के कारण जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित उंगलियों फोमाइटिस और मक्खियों के माध्यम से फैलता है, जो संक्रमित व्यक्ति की आंखों या नाक के स्राव के संपर्क में आते हैं, ठीक है। चलिए प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु। 5 अगस्त 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक लौह युग के दफन स्थल आदिनल्लूर जो तमीरा बरानी नदी के किनारे यानी पेरुनाई नदी के किनारे पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी। कहा कि विदेशी संग्रहालयों से 5000 से अधिक आदि आकृतियों को वापस लाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। 5 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए राइनो टास्क फोर्स गैंडों का संरक्षण। बिहार में बाघों की संख्या के में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि राइनो टास्क फोर्स किसके संरक्षण के लिए गठित की जा रही है, ठीक है, या ये कि गैंडों का को संरक्षित करने के लिए या गैंडों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये राज्य सरकार द्वारा किसका गठन किया गया है? मौजूदा है पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में केवल एक गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। इनमें प्रजनन के लिए अधिक स्थान प्रदान करने के लिए गैंडों को भीड़ भाड़ वाले आवास से रिजर्व में गंगनोली और मदनपुर जैसे चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शामिल होगा। विश्व गैंडे में लगभग 75% आबादी भारत में रहती है और 93% से अधिक आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 77वां
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री कब 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर 2 वर्ष तक चला आजादी का अमृत महोत्सव संपन्न हुआ। अमृत महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव कितने वर्षों तक चला, ठीक है, और कहां संपन्न हुआ, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कब शुरू किया था? 12 मार्च 2021 को गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। इससे पहले राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के बाद अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया।